नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टूजस पे। तो CUET MA पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड MCQ है आज का हमारा। इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाई कैमरलिज्म इज इसेंशियल फीचर। तो पहला आपका ऑप्शन है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा आपका ऑप्शन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तीसरा आपका है फेडरल एंड चौथा ऑप्शन है आपका यूनिटरी। तो याद रखिएगा कि जो बाइकैमरलिज्म में है उसका एसेंशियल फीचर होता है फेडरल सिस्टम, ठीक है। यानी फेडरल सिस्टम में बाइकैमरलिज्म में आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बेसिकली वो क्या होता है, डिवाइडेड होता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो आपकी, फिर यहाँ से लिख देती हूँ मैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी होती है वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ओके। अब नेक्स्ट हमारा जो इसका अगर फीचर देखा जाए तो यहाँ पर आपका बहुत सारी जो कंट्रीज़ होती है वो बाइकैमरल सिस्टम को फॉलो करती हैं और यहाँ पर हाई एक्सपेंडिचर, काफ़ी खर्च होता है इसमें, काफ़ी हाईली एक्सपेंडिचर ये बाइकैमरलिज्म जो सिस्टम है यहाँ पर होता है, ठीक है। और याद रखिएगा कि वर्कलोड तो कम होता है यहाँ पर, आपके बाइकैमरलिज्म में वर्कलोड क्या होता है, कम होता है। और स्कोप फॉर रिप्रेजेंटेटिव टू माइनॉरिटीज़ एंड अदर आपके इंटरेस्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यहाँ पर, उनका भी काफ़ी स्कोप होता है। जैसे आपके माइनॉरिटीज़ हो गए, है ना, छोटे सेक्शन के लोग, तो यहाँ पर इनके लिए काफ़ी स्कोप रहता है आपके फेडरलिज्म में, है ना, बाइकैमरलिज्म में। अब अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो सपोज़ इंडिया में कैसे बाइकैमरलिज्म है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि फेडरलिज्म का भी कुछ फीचर होता है, ठीक है। फेडरलिज्म जो होता है इसके अंतर्गत आपका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है और आपकी इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, ठीक है। यानी आपका जो हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, ये सब इंडिपेंडेंट होते हैं ना, इसमें कोई भी एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस जुडिशरी हो गई, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो आपके फेडरल सिस्टम का इम्पॉर्टेंट फीचर है वो आप यहाँ पर है आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ओके। हमारे यहाँ पर भी देख सकते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा। नेक्स्ट हमारा है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सुप्रीम होता है। एंड याद रखिएगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर एक जगह पे आके डिसेंट्रलाइज हो जाती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है सबसे ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है आपके फेडरल सिस्टम में पाया जाता है और यही आपकी बाइकैमरलिज्म होती है। इज इट क्लियर, ये आपका क्या होता है, बाइकैमरलिज्म होता है। अब अगर इंडिया में देखा जाए तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है सेंट्रल होता है और स्टेट होता है, ठीक है। सेंट्रल में आपका जो गवर्नमेंट होता है बेसिकली पार्लियामेंट होता है, वो आपका टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक राज्यसभा एक लोकसभा। ऐसे ही आपका एक विधान परिषद होता है और एक क्या होता है, विधानसभा, है ना, ये आपके राज्य में होती है। तो ये आपके बाइकैमरलिज्म का ही क्या है, पार्ट है, फेडरल सिस्टम उसी का पार्ट है, मतलब इसेंशियल फीचर है आपके बाइकैमरलिज्म का फेडरल सिस्टम। तो ये आज का हमारा क्विज रहा, ऐसे ही क्विज करिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।